नमस्ते बच्चों, अभिषेक शर्मा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमने बात की थी पिछले चैप्टर में ऊंचाई और दूरी में, तो आपने उसके वीडियो देखे होंगे। अगर वीडियो कैसा लगा है आपको, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी बच्चों को बता दीजिए जिनको उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी आगे उसको सब्सक्राइब कर लें। तो पिछले चैप्टर में हमने बता दिया था ऊंचाई और दूरी, चैप्टर खत्म हो चुका था और उसकी जो सारी समस्याएं थी वो भी लगभग हमने हल करा दी थी। अगर आपको उसमें भी अभी भी कोई दिक्कत लग रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे हम फिर से समझा देंगे। तो अगला चैप्टर ले रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, मेंसुरेशन से रिलेटेड। तो इसमें करीब 10 से 12 नंबरों का आप इसमें जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इससे रिलेटेड होंगे। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की पहले तो हम ये समझ लेते हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से मतलब क्या है। तो पहले वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को समझने से पहले हमें वृत्त के बारे में समझना होगा। तो वृत्त आप जानते हैं, वृत्त मतलब किसी केंद्र के परितः समान दूरी की त्रिज्या को लेकर खींची गई आकृति वृत्त कहलाती है। क्लियर हुआ? तो इसका एक केंद्र होगा और इसके अंतर्गत केंद्र से, इसे तो बोलते हैं जो इसकी बाहरी वाली किनारा है इसे बोलते हैं परिधि, यह कहलाती है परिधि। तो यह है केंद्र इसका, यह हो गया केंद्र। तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है उसे बोलते हैं त्रिज्या और उसे लिखा जाता है आर से, ये हो गई त्रिज्या। क्लियर हुआ? वृत्त में हम कोई भी, वृत्त को दो भागों पर काटने वाली कोई भी रेखा हो वो सब जीवा कहलाती हैं। वो जितनी भी होंगी वो सब जीवा कहलाएंगी, ये जीवा है, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, सब जीवा। जो केंद्र से होकर कोई जीवा जा रही होगी तो जीवा तो वो भी है, लेकिन चूंकि वो केंद्र से होकर जा रही है इसलिए उसे कहते हैं व्यास। मतलब क्या हुआ कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। क्लियर हुआ? वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो व्यास कहलाती है। और आप देख रहे होंगे कि इस किनारे से केंद्र को मिलाते हुए इस किनारे तक की जो दूरी है व्यास हुई, तो केंद्र से इधर की दूरी ये त्रिज्या और केंद्र से इधर की दूरी ये भी त्रिज्या। तो दो त्रिज्याओं, त्रिज्या और त्रिज्या जब जुड़ी तो व्यास बना। तो 2 × त्रिज्या का मतलब हुआ बराबर व्यास। तो मतलब हम ये कहेंगे कि व्यास जो है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, या ये कह लें कि त्रिज्या बराबर, इसी से आगे अगर ले जाएं तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, मतलब त्रिज्या व्यास की आधी होती है। क्लियर हुआ? तो अब इनके कुछ और पॉइंट्स लेंगे, थोड़ा इसे साफ कर लें, फिर समझाने में भी आसानी रहेगी। तो आप ये जान गए इसमें कि परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है। तो अब कुछ दूसरे पॉइंट्स लेंगे इसमें से। अगर ये कोई वृत्त है और ये उसका केंद्र है और इसमें हम 2 त्रिज्याएं डाल दें, 2 त्रिज्याएं, तो इस भाग को जिसे हम छायांकित कर रहे हैं तो इस भाग को क्या कहेंगे? ये भाग कहलाएगा त्रिज्यखंड, इसे कहते हैं त्रिज्यखंड, इस भाग को जितना छायांकित किया गया। तो अगर ये त्रिज्या है आर से लिख रहे हैं, ये भी त्रिज्या है ये भी आर से लिख लें, और ये जो है ये एक पूरे वृत्त की परिधि का कुछ हिस्सा है जिसे हम कहेंगे चाप, और इसे हम एल से लिख दें, और हम मान लेते हैं कि दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण थीटा है।
तो इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले जो बनेंगे, पहला पॉइंट ले रहे हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड अगर मान लेते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या r है और दो त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा है, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई, तो इन सबके फॉर्मूलेस क्या होंगे उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मान लें जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का जो परिमाप होगा या जो परिमाप मतलब बाहरी किनारा है उसे क्या कहेंगे, तो उसे लिखेंगे त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर, तो यहां पर r प्लस l और प्लस r मतलब 2r प्लस l होगा इकाई। क्लियर हुआ? ये तो हुआ त्रिज्यखंड का परिमाप। वैसे ही अगर चाप की लंबाई की बात करें तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई तो L बराबर होता है पाई आर थीटा बटा 180। क्लियर हुआ? यह है चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसी फॉर्मूले से एक और दूसरा फॉर्मूला बना दें, जैसे इसमें से आर बटा दो अलग कर दें, या ऐसे न लिख के इसे लिखें पाई इंटू आर स्क्वायर लगाए तो दो बार आर इंटू आर लिख लें और इंटू ये थीटा और बटा 180 को लिखें दो, 360 को लिखें दो इंटू 180। तो इसमें से आर बटा दो अलग कर लें तो यहाँ बचेगा पाई आर थीटा बटा 180। तो एक बटा दो आर और पाई आर थीटा बटा 180 का मतलब एल था, तो इसकी जगह पर मेल लगा लें तो एक फार्मूला बनेगा क्षेत्रफल का त्रिज्यखंड एक बटा दो आर एल। क्लियर हुआ? ठीक, नोट कर लिया होगा, नोट किया हो तो नोट करना जल्दी से फटाफट। अगला पॉइंट लेते हैं, ये त्रिज्यखंड था, लाइक शेयर करते रहे बेटा, सब्सक्राइब कर ले अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगला पॉइंट लेंगे वृत्तखंड। अब बात करेंगे वृत्तखंड क्या होता है। दूसरा पॉइंट है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु और दूसरा होता है दीर्घ। तो लघु और दीर्घ से मतलब, लघु से आप जानते हैं लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जो छोटा भाग हुआ वो लघु वृत्तखंड और जो बड़ा भाग हुआ वो दीर्घ वृत्तखंड। तो छोटा और बड़ा भाग होगा किस प्रकार से, अगर किसी वृत्त को कोई जीवा दो भागों में काट दे, वो जीवा केंद्र से होकर नहीं जानी चाहिए, अगर केंद्र से होकर जाएगी तो व्यास हो जाएगी और उस अवस्था में दोनों भाग बराबर हो जाएंगे, ना कोई लघु होगा ना कोई दीर्घ होगा, और उन्हें कहा जाएगा अर्धवृत्त। क्लियर हुआ? उस अवस्था में वो अर्धवृत्त हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि व्यास नहीं होना चाहिए, मतलब जीवा केंद्र से होकर नहीं जानी चाहिए, वैसे और कहीं से भी जाए। तो इस जीवा द्वारा दो भाग बने, आप देख रहे होंगे ये वाला भाग छोटा है जिसे हमने छायांकित किया है और शेष भाग बड़ा है। तो छोटा भाग है इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड और ये बड़ा है तो इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो यहां पर कहीं उसका केंद्र भी होगा, केंद्र से जो जीवा के जो सिरे थे ए और बी उनको मिला दिया जाए
इनको मिला दें तो जो कोण बन रहा होगा उसे हम मान नाम डाल देते हैं थीटा। मान लेते हैं वृत्त की जो त्रिज्या आर है तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा, नोट करते रहिए, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बटा 2 वर्ग इकाई। यह है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, नोट कर लीजिए। तो उसके बाद बात करेंगे दीर्घ वृत्त खंड की। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो उसके बाद कोई खास दिक्कत नहीं है, तो हम वृत्त की क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दें तो जो बचेगा वो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस चैप्टर में आपके पास इतने ही फार्मूले हैं, लेकिन कुछ फार्मूले हम अपनी तरफ से और बताए दे रहे हैं जो वृत्तों से संबंधित थे और आपने उनको मिस कर दिए होंगे शायद वो, लेकिन आपने प्राइमरी नहीं मतलब जूनियर से ही आपने पढ़ा होगा। तो वृत्त में कुछ फार्मूले उन्हें भी ऐसे सिंपली नोट कर लीजिए कि अगर कोई वृत्त है तो भी बताया था इसे कहते हैं परिधि, और परिधि वृत्त की परिधि जो होती है उसका फार्मूला होता है 2πr, नोट हो गया होगा। अब ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल उसे लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो व्यास होता है तो व्यास बराबर अभी बताया था 2 × त्रिज्या होता है, या त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है। इसके अलावा कुछ खास फार्मूले नहीं है, ये तीनों आपने पहले भी पढ़े होंगे। बस मुख्य पॉइंट्स ये थे दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, नोट कर लिया होगा। तो जो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब एक एग्जांपल लेके इनका चलते हैं। जैसा क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो कहा गया उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। क्लियर है? देखिए एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेता कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, मतलब दो अलग अलग वृत्त हैं और दोनों की त्रिज्याएं जो है, पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है,
फिर कहा गया एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इस 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त और इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जो क्षेत्रफल है उनके योग के बराबर हो जाए। तो हम पहले त्रिज्याओं को नोट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग वृत्त कहे गए हैं, वृत्त तो तीन कहे गए हैं, चूंकि दो की त्रिज्या दी है, जो तीसरा नहीं पता है उसकी हम त्रिज्या को आर मान लेते हैं। मान लेते हैं चूंकि वो जो तीसरा जो वृत्त पूछा गया है जिसका क्षेत्रफल वो इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर क्षेत्रफलों के, तो वो सीधी सी बात बड़ा वृत्त होगा, तो उसे हम बड़ा वृत्त मान लेते हैं। मान लेते हैं कि माना, आंसर में लिखेंगे माना बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर आर सेंटीमीटर। क्योंकि ये दो त्रिज्याएं दी गई हैं, तो हम एक को आर वन कर लेते हैं और एक को आर टू कर लेते हैं। तो मान लेते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो ये दो वृत्त हैं, मान इसमें एक पहला और एक दूसरा मान लेते हैं कि पहले वृत्त की त्रिज्या, तो पहले वृत्त की त्रिज्या उसे R1 लिख लें, R1 बराबर मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या और R2 लिख लेते हैं उसे, और R2 बराबर मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ? अब जो सब प्रश्न कहा गया है कि प्रश्नानुसार कहा गया था कि जो बड़ा वृत्त है जिसके में त्रिज्या ज्ञात करनी है उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होना चाहिए। मतलब तो जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था या जिसकी त्रिज्या ज्ञात करनी थी उसे हमने बड़ा वृत्त माना है, तो हम लिखेंगे क्या कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, जो दोनों वृत्त दिए गए थे उनके क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो जो दोनों वृत्त दिए गए हैं उनमें से हमने एक को माना है पहला और एक को माना है दूसरा, तो मतलब होगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें पहले से पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वृत्त के लिए तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या उसकी आर मानी है। अब पहले वृत्त की बात करेंगे, तो जो कि पहले वृत्त की त्रिज्या को हमने आर वन माना है, तो उसे लिखेंगे पाई आर वन स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या को आर टू माना है, तो हो जाएगा पाई आर टू स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो यहां पर देख रहे होंगे पाई आर स्क्वायर बराबर इन दोनों पदों से पाई कॉमन है, तो यहां बचेगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, तो ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर होगा, क्योंकि आर वन का मान 8 है तो 8 का वर्ग, और प्लस आर टू का मान 6 है तो 6 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग होगा तो 64, और प्लस 6 का वर्ग होगा तो 36। इधर लिखे दे रहे हैं, तो आर स्क्वायर बराबर तो 64 और 36 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, तो आर स्क्वायर बराबर तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग, तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये होगी बड़े वृत्त की त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो नोट कर लीजिए और बच्चों शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद क्लास।